खलारी दौरे पर पहुंचे कांकेर विधायक समरी लाल से एसीसी सीमेंट फैक्ट्री से सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के लोगों ने शुक्रवार को खलारी प्रखंड मुख्यालय सभागार अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद पश्चिमी जीप सदस्य सरस्वती देवी ने भी सेवानिवृत्त कामगारों की समस्याओं को प्रमुखता से रखने की कोशिश की, जिस पर कांकेर विधायक समरी लाल और जीप सदस्य सरस्वती देवी के बीच हुए हो हंगामे में विधानसभा का एक दृश्य खलारी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में देखने को मिला, जिसमें कांके विधायक लगातार यह कहते नजर आए कि इस बातों को पहले ही विधानसभा में दर्ज कराया जा चुका है, आप देर कर गए। जिला परिषद महोदय वही विधायक के इन बातों से जीप सदस्य सहित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के सेवानिवृत्त कामगार नाराज नजर आए। वहीं विधायक के इस रवैये से संघ के रामप्रीत यादव ने कहा कि विधायक समरीलाल का आश्वासन संतोषजनक नहीं रहा। वहीं संघ के रामप्रीत यादव ने कहा कि अपने खिलारी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक संजय रोंगटा के द्वारा क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने के लिए कई अवैध कार्यों पर चर्चा करते हुए विधायक के द्वारा किए गए व्यवहार से नाखुश हैं एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के सेवानिवृत्त कामगार। अगर मान लीजिए कि लोग अपना मनमानी करता है तो थाना पुलिस होगा, केस मुकदमा होगा, लेकिन ये तो रूल से ही चलना चाह रहे हैं ना। अपना समस्या को लेकर के आए हैं तो समस्या को हम भी सुनेंगे, हम भी प्रतिनिधि, आप भी प्रतिनिधि, आप ही सुनिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो इनके साथ समस्या है, बहुत बड़ा खुशखबरी हम लोग को मिला कि हमारे पंचायत में हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। अगर वो हॉस्पिटल बनेगा तो अगर हमारा जनता ग्रामीण ही नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल किस काम का हम सुना रहे हैं।
आज आया तो बोलिए, आपको आके बोलना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था, आप तो नहीं बताई, लेकिन आपके बिना बताए हम विधानसभा में वहां लिख के हमारे पास सारा डाटा दे दिए है, अगर उस पर बहस होगी परिषद। एक बात ध्यान किया जाए, अभी सारे सदस्यगण ने इनको लेकर दिए, आपकी भावनाओं से अवगत कराया, आपकी जो बात रखे वो बात को रखे, ये बात उन्होंने सुनाई दिया, आप आश्वस्त मैं विधानसभा में इस बात को बोलूंगा, ठीक है, आश्वस्त और इसके बाद बाकी नहीं रह जाता कि और कुछ पे बोला जाए, ठीक है, अब आप यहीं पर अपनी बात को विराम दीजिए, विधानसभा का एक सप्ताह पहले दिया जाता है वहाँ, और हम एक सप्ताह पहले नहीं, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ढाई से तीन घंटा वेट किया विधायक जी के लिए, और उन्होंने आपकी समस्याओं के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि जो आपकी हैं, ठीक है, जिला परिषद, उनको भी सुनना उचित नहीं समझा जी, ठीक है, हाँ ये बात सही है, ये आपने ठीक कहा, और इसी तरह से हुआ, उनने हमारी बातों को, हमारी समस्या को उन्होंने ये कहा कि आपने अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, जब यहाँ जनता ही नहीं रहेगा, पूरा घर खाली कराया जा रहा है, जब एक तरफ सरकार जो है 20 लाख लोगों को घर देने के बात कर रही है, दूसरे तरफ यहाँ रूंटा जी पूरा घर को खाली करा रहे हैं, जबकि उनका कोई यहाँ अधिकार नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, ना ही उनका क्वार्टर है, यहाँ के हम लोग वर्कर लोग अंचल कार्यालय से हम लोग ये प्राप्त किए हैं ये सबूत कि उनका ये ज़मीन और क्वार्टर उनका नहीं है, बावजूद भी वो अपना कोर्ट कचहरी से कानून में फंसा करके और लोगों को खाली करवा रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है, हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे जहां हम लोग को छाया मिलेगा, हम लोग उसी का हैं, हम लोग किसी का नहीं है, हम लोग को काम जो करेगा हम लोग वोट उसी को देंगे। तो विधायक जी से यानी कि आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं आज के व्यवहार से? जी, हम लोग जितना उत्साहित से विधायक महोदय से बात करने के लिए हम लोग को उत्सुक थे, उससे हम लोग को निराशा मिला। थैंक यू रामजीत जी, धन्यवाद आपका।